Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So today we are not going to do anything from our book. हम book में से कुछ भी नहीं करेंगे. आज आप बनाओगे sentences खुद से. ठीक है, मैं आपको एक word दूंगी और आप उससे एक line बनाओगे. ठीक है, देखो आपने बनाने हैं सेंटेंसेस. आप वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाओगे. यू विल यूज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस. ठीक है, तो वर्ड्स हमारे क्या हैं? एप्पल, पेन, नेम, बेल, अम्ब्रेला, कप. ठीक है, एप्पल, पेन, नेम, बेल, अम्ब्रेला, कप. सिक्स सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको आज क्लास में बनवाऊंगी और आपको होमवर्क दूंगी जो आप नोटबुक पे करोगे. ये नोटबुक पे लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज जस्ट एन एक्टिविटी कि आप कुछ न्यू सीखो. ठीक है, कुछ वर्ड्स दूंगी जो आप करोगे. इसमें से भी कुछ वर्ड्स दे सकती हूँ और आउट ऑफ दिस ऑल्सो. लाइक हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? एप्पल. हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे जिसमें हम एप्पल वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, सेंटेंस बनाने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन बनाना, लाइन लिखना जिसमें हम वो वर्ड यूज करेंगे. लाइक एप्पल का हम क्या लिख सकते हैं? आप कुछ और भी लिख सकते हो पर मैं क्या लिख रही हूं, एप्पल इज रेड. एप्पल इज रेड. ठीक है, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो. एप्पल इज अ फ्रूट, आई लाइक टू ईट एप्पल. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो. सेकेंड क्या है? पेन. तो देखो इसमें क्या हुआ था, हमने एप्पल वर्ड यूज करना था और एप्पल किया. ये जरूरी नहीं है कि हम सेम एप्पल वर्ड जो है, जो सेंटेंस जिससे बनाना है, जो वर्ड है उसका स्टार्टिंग में ही लिखें. हम उसके बाद भी लिख सकते हैं. ठीक है, मिड में भी या एंड में भी यूज कर सकते हैं. लाइक हम पेन से मैं बना रही हूं, मैंने फ्रेम किया, आई हैव अ पेन. आप कुछ और भी बना सकते हो. ठीक है, तो आप साथ साथ बनाते रहो. आप अपनी तरफ से सेंटेंस बनाओ, मैं अपनी तरफ से बना रही हूं. अब पेन देखो, पेन हमने यूज करना था और हमने लिखा कहां पेन? लास्ट में. तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने वो वर्ड स्टार्टिंग में लिखना है या लास्ट में लिखना है, बस वो वर्ड उस सेंटेंस में आना चाहिए. ठीक है, वो वर्ड उस सेंटेंस में आना चाहिए. तो आप कुछ भी लिख सकते हो, पेन इज ब्लैक, पेन इज ब्लू. ठीक है, आई हैव अ पेन. कुछ भी लिख सकते हो. नेम, थर्ड क्या है? नेम. तो नेम से तो हम कुछ भी लिख सकते हैं. माई फ्रेंड्स नेम इज, माई मदर नेम इज, फादर नेम इज, माई नेम इज. तो मैं आपको दे रही हूं, माई नेम इज, लाइक राम लिख रहे हैं, राम. माई नेम इज राम. ठीक है, तो हमारे जो हमने लाइन बनाई उसमें ये नेम वर्ड आ रहा है ना, बस. ठीक है, वो वर्ड आना चाहिए. ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस फॉर्मेशन. बेल, बेल क्या होती है? बेल, द बेल रिंग्स. आपकी इच्छा है आप कुछ और भी लिख सकते हो, द बेल रिंग्स. ठीक है, अब इसमें भी बेल वर्ड आ गया ना, बस वो वर्ड आना चाहिए जिससे हमने सेंटेंस बनाना है. उसके बिना सेंटेंस नहीं बनाओगे. अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला.
एन क्यों लगाया? क्योंकि वर्ड जो था वो वॉवल था, यू। तो इसमें भी देखो अम्ब्रेला वर्ड आ गया, तो हमारा सेंटेंस बन गया। कप, कप इज ऑन द टेबल। कुछ भी बना सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आप यही बनाओगे, ठीक है। कप इज स्मॉल, ठीक है। दिस इज कप, देयर इज अ टी इन द कप। कप इज स्मॉल भी बना सकते हो, कप इज स्मॉल, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो यही क्या होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी होमवर्क में, जिनके आप सेंटेंस बनाओगे बट इन योर नोटबुक, ओके। आप इन नोटबुक में करोगे, दिस इज योर विश कि आप करना चाहते हो या नहीं, बट जो सेंटेंस दूंगी बनाने के लिए वो आप नोटबुक में बनाओगे, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।